दिन तो निकल आया पर अभी हम पहुंचे नहीं है। ये बात भी जोड़ के ना, चाय पीने के लिए स्टे मारा हुआ है। आम से उसी तरह पड़े हैं यहाँ पे, 11:30 के निकले और अब समय हो चुका है कितना, 9 बज गए, यानी कि 9:30 घंटे हम अभी भी रास्ते में ही हैं। और भाई निंद्रा लेते हुए और हमारे आतंकवादी पीछे बैठे हुए आराम से, बाकी देखो क्या रहता है। जल्दी पहुँचेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे और बहुत सारी मन्नतें मांगेंगे और फिर वापस घर भग जाएंगे। बाबा कहेगा मतलब पड़ा तो आ गए, फिर हम कहेंगे बाबा यही तो होता है दुनिया में। बस पार करके बाद फाइनली पहुंच चुके हैं और धूप खतरनाक है, बहुत खतरनाक। देखते हैं क्या होगा। अभी हवा के पास 18 किलोमीटर पैदल जाने के डिसाइड कर लिया ग्रुप ने। भाई भाई कर तो लिया है, जोश में तो नहीं आ गए ना ज़्यादा। सनी धाम पे भी हमने यही जोश दिखाया था भाई, वो 3 किलोमीटर ही था। वो 3 किलोमीटर ही था, 5 टाइम है ये उसके, देखते हैं क्या होगा। फाइनली बना लूँगा, ठीक है। ठीक है, क्या है अंदर, कुछ तो नहीं है। खाने साथ पीने साथ हो, देखो भाई अपन लोगों ने सनस्क्रीन पोत ली है फैनों से लेके और धूप में निकलने के लिए रेडी हैं राम भरोसे। और ये चमक मार रहे हैं धूप की वजह से भाई, कितना कंजे जैसी आँख आ रही है मेरी, देखना इतनी है नहीं भाई आँख खराब। मैं बाकी देखते हैं। तो यहाँ से हम अपना निशान चिन्ह लेने आए, नहाए धोए रेडी हो गए और उसके बाद यहीं पे नहाने की जगह भी अवेलेबल है ऐसी जगह पर, और यहीं पे निशान चिन्ह भी मिल जाता है। अब यहाँ से अपना निशान चिन्ह लिया और हम चल दिए आगे के लिए अंदर जहाँ भजन कीर्तन चल रहे हैं। और यकीन मानो मतलब मुझे लगा नहीं था 800-850 रुपये किराया दे के इतना मस्त मज़ा आने वाला है। हालांकि कैंपस के शूज़ पहन के मत जाना, मेरे साथ बहुत तगड़ा स्कैम हो गया, बहुत तगड़ा। मतलब देखोगे आप लोग इस वीडियो में, यहाँ तो कैंपस की इतनी क्वालिटी बेकार है, यहाँ फिर जो मैंने कैंपस के जूते लिए वो डुप्लीकेट थे, मैंने फेंक दिए वो लिटरली। 1800 रुपये के जूते लिए थे मैंने यहाँ पे और वो 1800 के वहीं फेंक दिया है, मतलब लेके दिल्ली से गया था और दिल्ली में ही ला के फेंके वहाँ नहीं। और यहाँ पे जो आप राइट साइड में देख रहे हो ये सब लोग, ये हमारी बस के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर भजन कीर्तन पूजा चलती रहेगी, 1 घंटे चलती है, अच्छा है। सब लोग गाने वाने गाते हैं भगवान खाटू श्याम बाबा के और उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, निशान चिन्ह लेके फिर यहाँ से चलते हैं। सबको निशान और नारियल मिल जाएगा यहाँ एक एक, कुछ इस तरीके से। ये सामने आपको यहाँ पे कृष्ण जी भगवान देखेंगे सामने और बाकी सब यहाँ पर अपनी पूजा कर रहे हैं। मतलब अच्छा है, मन को शांति मिलती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवा वहाँ में हो। और ये मैं भगवान से बोलते हुए कि भगवान मैं पापी इंसान के थोड़े कुछ पापी पर कृपा कर देना। और यहाँ पे जयकारे लगा के हम अपना बैठे हुए हैं शांति से, लोग पूजा कर रहे हैं। हम लोग आ गए, ये भी हमारी कैमरा मैन बकरी कोई नहीं, यहाँ से हम दुर्जा लेके जाएंगे है ना भाई। यस, दुर्जा लेके घूमते फिरेंगे हम लोग, तो बाकी सब आगे का अपडेट मिल जाएगा धीरे धीरे, हमारी शर्म जो है खत्म होती जाएगी। कैमरे वाले चश्मा कैसा लग रहा है भाई का बताना, ज़्यादा गंदा कम गंदा या बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ़ोन नंबर दे देना अपना। Thank you.
इन्फेक्शन हो गया, खाना कुछ खा नहीं सकते अब पूरे दिन, जूस से गुजारा करेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम, 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 जयकारे ले जाते हैं श्याम बाबा के, हम अपना निशान उठा उठा के चल दिए सारे के सारे। और बहन मुझे बता रही है भैया कैसे करना है, और फिर ठीक है चल दिए हम यहाँ से। यहाँ पर फोटो शूट वगैरह करेंगे और हम लोग अपना और फिर आगे के लिए प्रस्थान कर लेंगे। अभी माथे पे देखो पूजा पाठ होगी मस्त। अब हमने ध्वजा ले लिया हाथ में और उसको लेके, अरे कहाँ गई मेरी, श्याम बाबा जी के पास लेके जा रहे हैं 18 किलोमीटर पैदल, वो भी कैड़ी धूप में, बहुत कैड़ी, एक्सट्रीमली कैड़ी धूप है। इतने की लाइफ में पहली बार सन क्रीम लगाई है चेहरे पे, जिंदगी में पहली बार दोनों ने लगाई है वो भी कैप भी, कैप भी पता है एक बच्चे की कैप छीन लिया, वानी नाम है उसकी, कैप छीन के रख ली कि तेरे सिर पे तो बाल है ओ भाई। अब देखो आगे का माहौल दिखा दो, पर तुम्हें श्याम बाबा के यहाँ जाना है ना, सही बताऊँ बाइक वाइक से जाने से ना ऐसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं पिछली बार बाइक से आया था उसमें उतना तगड़ा मज़ा नहीं आया सीरियसली जितना ग्रुप में आता है। देखो अब आगे के हाल, ये पूरा हमारा ग्रुप है जहाँ तक तुम्हें दिखेगा भाई। देखो ऐसा कहते हैं भगवान का चमत्कार, धूप के मारे ऐसी हो रही थी, अब बहुत बादल आ गए ऊपर एकदम कैड़े, मतलब अब मज़ा आ रहा है कसम से, तुम्हारी कसम जो देख रहे हो वीडियो सीरियसली मज़ा आ रहा है। ओ मौसम मस्त हो गया भाई, भगवान थैंक यू, शुक्रिया, लव यू, मस्त मौसम। और ये वाणी हमसे आगे निकलने के चक्कर में भागती हुई, इसी बच्ची, अच्छा। और ये सब हम लोग आते हुए पूछा लेंगे, अरे वाह मोटे होने के भी अपने फ़ायदे हैं,
लेकिन ये जो जूते मैंने पैरों में पहन रखे हैं ना यार, लिटरली इन्होंने मेरी वाट लगा दी शूज ने। और फिर यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट। फाइनली आधा तो पार हो गया भाई, चल के जैसे तैसे भी, नहीं मज़े में ही हो गया आधा तो। 8 किलोमीटर, 10 बचे अब, देखते हैं कितने देर में होते हैं। हाँ और पीछे पूरी भीड़ आ रही है और आगे पूरी भीड़ जा रही है। ये हमारा चौथा स्टॉप है, हल्की हल्की थकान होने लग गई है अभी, पसीने आ रहे हैं, धूप ज़्यादा है क्योंकि, और चाय पी रहा हूँ इस गर्मी में भी, गन्ने का जूस पी नहीं सकता, पेट में इन्फेक्शन। हमारे नौजवान टीम रेस्ट कर रही है। अरे वो फाइनली हम पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था, अपने निशान से ले गए वहाँ पे, जूते उतार के रखने हैं कहीं, फैक्ट्री नहीं है, रखने हैं कहीं ठीक जगह, और मैंने यहाँ अपने जूते उतार दिए, लेकिन उसके मैं अपने पैरों की यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करनी भूल गया, तो मैं अलग से दिखाऊंगा अभी, अगली वीडियो में ऐड कर दूँगा आप लोगों के, आप दोनों पैरों का हाल हुआ होगा मेरे का, तो मैं खैर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैंने जस्ट स्टार्ट करी है ब्लॉगिंग, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू।